नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज की एक वीडियो शुरू करते हैं। वीवो का एक नया फ़ोन जो कि 27 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, वीवो V21 सीरीज का, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसका एक ओवरव्यू लेकर आए हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये हमारे सब्सक्राइबर्स की और हमारे व्यूवर्स की जो है कहना था उनका कि इन फोन्स का रिव्यू किया जाए, इसलिए हम ये रिव्यू कर रहे हैं। बाकी ये जो है बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड अभी नहीं है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं वीवो V21 सीरीज, क्यों ये आपको फ़ोन लेना चाहिए और इस फ़ोन में ऐसा क्या नया है। वीवो आप जानते ही हैं दोस्तों, कैमरास के मामले में जो है सबसे ज़्यादा आगे है सभी मोबाइल फ़ोन से। 5G फ़ोन है ये, आप देख सकते हैं। ये ऐसा दावा किया गया है कि ये दुनिया का पहला 44 मेगापिक्सल का OIS का जो है फ़ोन है, और ये सेल्फी कैमरा है 44 मेगापिक्सल का, नाइट सेल्फी भी आप ले सकते हैं और डेलाइट एवरी मोमेंट इसके साथ आप जी सकते हैं। आप दोस्तों ये कुछ रीजंस बताए गए हैं, 6 रीज़न अब वीवो V21 क्यों लेना चाहिए। क्योंकि देखिए 44 मेगापिक्सल का नाइट सेल्फी कैमरा है, स्पॉटलाइट सेल्फी आप देख सकते हैं। अभी तक दोस्तों बहुत अब स्लिम मोबाइल्स बनने लगे हैं। ये देखिए मेटल क्लास डिज़ाइन का 7.29 mm का अल्ट्रा स्लिम ये थिकनेस है इसकी। 64 मेगापिक्सल का दोस्तों इसका नाइट कैमरा है जो कि रियर साइड पर है। दोनों मोड इसके डुअल 5G हैं और दोस्तों इसमें भी एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन है। एक्सटेंडेड रैम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दोस्तों 8GB रैम का फ़ोन है और आपको उस रैम को और बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो है इंटरनल जो मेमोरी स्पेस आता है वहाँ से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 3GB तक। तो आपका फ़ोन जो है 11 GB का रैम इसमें जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों 7.29 mm अल्ट्रा स्लिम मैट ग्लास डिज़ाइन का ये बनाया गया है। 176 ग्राम इसका डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये थिक है, हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप मेटल इसका बैक डिज़ाइन देख सकते हैं, 3 कलर ऑप्शंस में ये अवेलेबल है ऐसा बताया गया है। द पावर ऑफ नेचर कलर्स आप देख सकते हैं, कितना शानदार ये फ़ोन एकदम प्रीमियम लेवल का दिख रहा है। इसका नाम है सनसेट डेजल। फ्लैट फ्रेम है, डिज़ाइन भी दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है, राउंड कॉर्नर से भी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं, ये क्योंकि वीवो की आधिकारिक वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं, ये स्टेबलाइज ऑप्शंस में अवेलेबल है और ये आपको जो है यहाँ पर 44 मेगापिक्सल का ऑप्शन देता है। OIS लाइट अप योर सेल्फीज आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। आप ये जो है जितना भी आप देख सकते हैं, ये ऐसा दावा किया गया है, देखिए दोस्तों लिखा गया है, द वीवो V21 इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर स्मार्टफोन विद 44 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। जो ऑप्टिकल जो स्टेबलाइजेशन होगा इमेज का, आप 44 मेगापिक्सल में उसको महसूस कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इन द फ्रंट कैमरा, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन, ये लो लाइट में भी आप देख सकते हैं। डुअल व्यू वीडियोज़ भी आप इससे जो है ईजिली बना सकते हैं। सुपर स्टेबल सेल्फी वीडियोज़ भी आप बना सकते हैं दोस्तों, 4K सेल्फी वीडियोस भी आप इसमें बना सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। 4K वीडियोस सेल्फी कैमरा से अभी तक नहीं बन रहे थे, ये आप कुछ इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं दोस्तों, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप रियर कैमरा पर आ सकते हैं, रियर कैमरा दोस्तों इसका जो है 64 मेगापिक्सल का, वो भी ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन आपको देगा। OIS नाइट कैमरा, जूम इन फॉर डिलाइट, और आप इसमें ये देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का मल्टी फंक्शनल कैमरा है वाइड एंगल बोके मोड के लिए, और 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो कैमरा आप इसमें पीछे की ओर देख पाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आपका वाइड एंगल ऑफ है तो ये आपको इमेज दिख रही है, जब हम इसको ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं कितना पार्ट इसने जो है कवर किया है, 120 डिग्री वाइड परस्पेक्टिव 4 पर। और दोस्तों इसी के साथ रियर कैमरा OIS में भी आप जो है वही सभी ऑप्शंस देख सकते हैं, डबल एक्सपोजर, फ्रीडम टू क्रिएट न्यू थिंग्स, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ वीवो दिखाई गई है। दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब 5G की बात आती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 800U जो कि बहुत ही फास्ट है, गेट 5G कनेक्शन विद बोथ SA एंड NSA नेटवर्क स्पीटेड, दोनों सिम जो आपको 5G स्लॉट की मिलेंगी।
और 7 nm पर जो है दोस्तों ये वर्क करेगा। ऑक्टा कोर MTK 800U प्रोसेसर इसमें है 2.4 GHz पर, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। एक्सटेंडेड रैम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 8 GB को आप एक्सपेंड कर पाएंगे 3 GB तक। तो UFS 2.2 इसमें जो कि दिया गया है फास्ट सपोर्ट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 90 रिफ्रेश हर्ट्स इसमें आपको मिलेगी दोस्तों, 120 भी मिल सकती थी क्योंकि ये बहुत एडवांस प्रीमियम लेवल का है, लेकिन 90 हर्ट्स भी काफ़ी अच्छी है। E3 AMOLED डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी। AMOLED डिस्प्ले का दोस्तों कोई भी तोड़ नहीं है, 6.44 inches का ये आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। बैटरी 4000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी क्योंकि दोनों सिम 5G सपोर्टिव हैं और एक टाइम के बाद जो है 400 mAh थोड़ा सा कम लगने लगेगा। आप इसके साथ 33 वाट का फ्लैश चार्जर देख सकते हैं, आपको इसमें फ्लैश चार्जर मिलेगा 33 वाट का, जो कि इसको दोस्तों लिखा आ रहा है कि 30 मिनट 63% तक कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक सवा एक घंटे डेढ़ घंटे में ये आपका पूरा फ़ोन जो है चार्ज हो जाएगा। फन टच OS 11.1 का एक्सपीरियंस दोस्तों आपको मिलेगा। फन टच OS बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। 11.1 भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसी के साथ आपको इसमें एंड्रॉयड 11 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये कुछ ऐसे डिस्क्लेमर्स हैं। प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा है, 29,000 के समथिंग है 30,000 तक, जो कि एक प्रीमियम लेवल में दोस्तों बहुत अच्छा फ़ोन हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो, ये एप्लीकेशन, ये मोबाइल पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।